आपने इरशाद फरमाया, देखो मेरी उम्मत जिंदगी में अमानतदार अमानत की हिफाजत करना, क्या मतलब? किसी को धोखा ना देना, किसी के साथ फ्रॉड ना करना, किसी के साथ दो नंबरी ना करना। हाय हाय, ना किसी इंसान के साथ बतौर इंसान गैर मुस्लिम और ना किसी मुसलमान के साथ, कि किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम को धोखा ना देना। एक सहाबी हैं जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपने नौकर से कहा, मंडी से घोड़ा खरीद के लाओ और मेरे पास ले आना, मैं पैसे अदा कर लूँगा। तो वो मंडी गया और 300 में घोड़ा की रकम तय करके लेकर आया और कहा, हजरत 300 में ख़रीदा है, आप पेमेंट कर रहे हैं। जरीर बिन अब्दुल्ला यमन के शाही ख़ानदान से थे, उन्होंने वो नस्लों को पहचानते थे घोड़े की। उन्होंने ऐसे देखा तो घोड़ा कीमती था, मालिक के मकान को, मालिक के घोड़े को भी पता नहीं था। लेकिन किसी को धोखा नहीं देना, ये मेरे नबी का फरमान उनके अंदर गूंज रहा था। कहने लगे, मेरे भाई मैं आपके घोड़े के 300 कर दूं? वो बड़ा हैरान हुआ, भाई कभी ख़रीदने वाला भी कीमत बढ़ाता है? वो तो कहता जी 2-4 रुपए और घट करो। वो कहता जी साड़ी इतनी खरीद ही कोई नहीं, ये रोज़ाना का झूठ है। तो उन्होंने कहा जी कर दो। फिर कहा 400 कर दूँ? कहा जी कर दो। कहा 500 कर दूँ? 600 कर दूँ? वो बेचारा परेशान हो गया कि लगता है मेरा मजाक हो रहा है। जब उन्होंने कहा 800 कर दूँ, कहने लगा हुजूर मैं तो 300 तो भी राजी हूँ, तुझे पता नहीं 500 कड़ी गल का बताया। मैंने जी मंजूर है, तुम 800 कर दो। तो आपने खादिम से फरमाया उसको 800 दे दो और घोड़ा बांध दो। वो तो पुठियाँ छाला मारदा या निकलिया, भी मेरे तो कम बन गए, सिर कढ़ाई थे पंजे घ्यो। तो जब वो बाहर निकला तो उनके खादिम ने अर्ज़ किया, हजरत मैं जब 300 तय करके आया था और उसने खुशी से कबूल किया था, तो 500 जनाब ने किस खुशी में बढ़ाए हैं? तो आपने फरमाया कि मेरे दोस्त इसका घोड़ा 300 का नहीं था, 800 का था। उसे अपने घोड़े की कीमत का खुद भी पता नहीं था। तो मैं 300 में लेता तो ये धोखा होता, और मैंने अपने नबी के हाथों में हाथ देकर अहद किया था। मेरे नबी ने मुझसे फरमाया था, जरीर ज़िंदगी भर किसी को धोखा न देना, सबकी खैर ख्वाही चाहना। दूसरी सिफत मेरे नबी ने फरमाया, हिफ्ज़ अमानत, किसी को धोखा न देना। कितने लोग लुट गए धोखेबाजों के हाथों, घर बिक गए, बच्चियों के जेवर बिक गए, जेली कागजात बनाकर मकानों पे कब्जा है, ज़मीनों पे कब्जा है, और अदालतों में स्टे लेकर। दूसरी सिफत मेरे नबी ने फरमाया, हिफ्ज़ अमानत है। आपने फरमाया, युतबुल मुमिनु अलल खिसाल कुल्लहा इल्लल कज़्ब वल खियाना, कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा। दो बातें तय कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलना है, फ्रॉड नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, दयानदारी से काम करना है। चाहे ताजर है, बिजनेसमैन है, रेड़ी वाला है, टांगे वाला है, जहाज वाला है, नीचे से लेकर ऊपर की सतह तक हर जगह धोखा देने के मौके होते हैं, ये काम नहीं करना, दयानतदारी से काम करना।